अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इब्राना किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन की एक और बहुत टेस्टी रेसिपी, चिकन स्टू। चिकन स्टू बनाने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे तकरीबन 700 ग्राम चिकन है और इसे हम अच्छे से धोकर वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पे हम लिए हैं दो बड़े साइज के टमाटर, इसे हम काट लिए हैं। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास है 500 ग्राम। यहाँ पे हम प्याज लिए हैं और इसे स्लाइस में काट लिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका जितना मतलब चिकन है उसी के हिसाब से आपको प्याज लेना है, क्योंकि इसी से हमारा ग्रेवी बनता है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप जितना आपका चिकन है उतना प्याज भी ले सकते हैं। हमारा 700 ग्राम चिकन है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 500 ग्राम प्याज ले रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ मसाले लिए हैं, जैसे 5 से 6 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और यहाँ पे हम लिए हैं 8 से 10 काली मिर्च, और यहाँ पे हम मेरी रेड चिल्ली, और यहाँ पे लिए 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लिए हम कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहे तो इसमें ये जो धनिया और ये जीरा का पाउडर है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं थोड़ा सा लहसुन, इसे इस तरह से स्लाइस में काट लिए हैं, और थोड़ा सा अदरक है, इसे हम ग्रेट कर लिए हैं, और 2 से 3 यहाँ पे हम लिए हैं तेज पत्ते। तो इसमें हमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो आइए अब हम चिकन स्टू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम गैस में कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिए और कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, तो आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं और ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। अब हम इसमें डालेंगे ये सूखे मसाले, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना रहता है, बस तुरंत ये हो जाता है। ये तेज पत्ते, अब हम डालेंगे इसमें आलू, इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये देखिए फ्रेंड, ऑनियन हमारा हल्का फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये जिंजर और गार्लिक। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ये साबुत लाल मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च और नमक। हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस कश्मीरी मिर्च डाले हैं, उसी से हमारा कलर आ जाएगा। अब डालेंगे हम इसमें ये चिकन, चिकन को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक देते हैं स्लो फ्लेम करके। ये बस धीमे धीमे आँच में ये पकते रहेगा। इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है, बस टमाटर ऐड करना है, वो जब हमारा चिकन आधा टेंडर हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो आइए फ्रेंड चेक कर लेते हैं चिकन को पकते हुए, हमारा 5 से 10 मिनट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो इसमें हम टमाटर अब ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा टेंडर हो गया है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इसमें जो चिकन में जो पानी है इसी से ये गलेगा और इसी से ये पकेगा। तो हम इसे इसी तरह और ढक देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो आइए फ्रेंड चेक करते हैं चिकन को पकते हुए, हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है और इस बीच में हम इसे 1 से 2 बार चला लिए थे,
क्योंकि ये नीचे से बैठ सकता था। तो ये देख सकते हैं आप चिकन में हमारा कितना अच्छा कलर आ चुका है और ये तकरीबन टेंडर होने ही वाला है। तो हम इसी तरह इसे अच्छे से पहले भूज लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे क्योंकि चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से चिकन हमारा टूट रहा है। तो हम इसे अब तेज आंच में इसे भूज लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड चिकन हमारा भुजा गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी हल्का सा ग्रेवी करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालें। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। तो आइए फ्रेंड हम चिकन को अब सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड बनकर तैयार है हमारा चिकन स्टू और ये बहुत ही आसान है, बहुत तुरंत बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।